श्री राधे, मैं पंडित शिव गुरु। आज बात करेंगे भट सावित्री के विषय के बारे में। भट सावित्री का व्रत बड़ा ही महान व्रत है, उत्तम व्रत है, और कहते हैं कि पति की दीर्घायु बढ़ाने वाला, मृत्यु के काल के को वश में करने वाला, यानी कि काल से भी निकाल के लाने वाला, अपने पति के प्राणों की रक्षा करने वाला यह व्रत है। और प्रत्येक सौभाग्यशाली स्त्री को रखना चाहिए, प्रत्येक माता को रखना चाहिए। आपने कथा सुनी है सत्यवान और सावित्री की। मद्र देश के राजा थे इनके पिता, लेकिन अंधे हो गए और राज्य को जब छीन लिया तो दोनों ही पत्नी जंगल में निवास कर रहे हैं। और उसी समय पर कहते हैं कि जब यमराज उनके प्राणों को लेने के लिए आता है, लेकिन पतिव्रता नारी होने के बावजूद उसने उस यमराज की छाया को देख लिया और उसके पीछे पीछे वो सावित्री चल दी। कुछ दूर जाकर के देखता है यमराज के पीछे कोई माता आ रही है, कोई औरत आ रही है। तो उसने मुड़कर के देखा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो, यहाँ तो किसी का प्रवेश नहीं है इधर। तो सावित्री ने कहा कि ये मेरे पति हैं जिनके प्राण तुम लेकर के जा रहे हो और मैं इनके साथ ही चलूँगी। उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है। तो यमराज ने देखा कि नहीं मान रही है और पीछे पीछे चली आ रही है इनकी छाया। तो यमराज ने कहा तुम कुछ वरदान मांग सकती हो, लेकिन इनके प्राणों को तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इनका समय तो नज़दीक आ चुका है, इनका समय समाप्त हो चुका है। ऐसी बातें सुनी तो ठीक है, मुझे वरदान दीजिए। तो यमराज ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगती हो। तो सावित्री ने कहा कि पहले तो मेरे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनकी आँखें सही हो जाएँ, और दूसरा जो उनका राज छीन लिया गया है वो राज उनको प्राप्त हो जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान पर भी तथास्तु बोला। तीसरी बार उसने कहा कि मैं सौभाग्यशाली पुत्रों की माता बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। उन तथास्तु ये भी उसने बोल दिया। फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा अब क्या बात हुई। उनका जब तुम मेरे पति को ही लेकर के जा रहे हो तो मैं फिर पुत्रवती कैसे बनूंगी। यहाँ पर यमराज पतिव्रता नारी के सामने हार गया और उनके प्राणों को वहीं छोड़ दिया। सस्वर शरीर सत्यवान जीवित हो गए और उनको राज की भी प्राप्ति हो गई। पिता भी जो अंधे थे वो भी सही हो गए। किसके व्रत से? पतिव्रता नारी के प्रभाव से। तो भट सावित्री का व्रत है। और ये घटना जो हुई थी, भट वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए थे दोनों, उसी समय की ये घटना है। तो उसी समय पर कहते हैं कि भट का जो वृक्ष है उसकी पूजा शुरू हो गई। और भट वृक्ष भी ऐसा है, विशाल वृक्ष होता है, एक में से एक वृक्ष बनता चला जाता है। वृक्ष की जटाएँ वृद्धावस्था में जाती हैं, जटा जमीन में जाती है, उससे दूसरा पेड़ उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार भट वृक्ष की हम पूजा करते हैं कि हमारी जो संतति, हमारा जो परिवार है वो बढ़ता रहे। और मिष्ठान लेकर के जाएं भट वृक्ष के नीचे बैठ करके, और भगवान नारायण का रूप में उनका भट वृक्ष का पूजन करें, ब्रह्मा के रूप में पूजन करें, भगवान शिव के रूप में पूजन करें, पूड़ी चढ़ाएँ, हलवा चढ़ाएँ, चने लेकर के जाएँ, कच्चा सूत कम से कम 7 बार लपेटें, परिक्रमा लगाएँ और प्रार्थना करें मेरे पति की दीर्घायु प्राप्त हो जाए। ये व्रत अवश्य माताओं को रखना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।